और राजधानी दिल्ली में मतदान से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। आप नेता और पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी अतिशी ने गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अतिशी का कहना है कि गंभीर ने उनके खिलाफ पर्चे बांटे जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो बीजेपी के पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार गौतम गंभीर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर अतिशी ने आरोपों को सही साबित कर दिया तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे और चुनाव मैदान से हट जाएंगे। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर ये साबित हुआ कि मैंने ये किया है तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा, अगर नहीं तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे। गौतम गंभीर ने कहा कि आज अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के सामने खड़े नहीं होना चाहते। केजरीवाल लगातार संकीर्ण मानसिकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। गंभीर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अतिशी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। गंभीर के बयान के बाद दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर गंभीर पर आरोप लगाए। इस ट्वीट में सिसोदिया ने उस पर्चे को भी शेयर किया जो कथित तौर पर गंभीर की तरफ से बांटे जाने की बात कही जा रही थी। ट्वीट में सिसोदिया ने कहा कि गंभीर को ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए थी। राजनीति से आज अभी संन्यास लेने के लिए रेडी हूँ और कई लोगों ने यह भी बोला कि मैं राजनीति से अपना कैंडिडेटचर अभी वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर लोगों का आशीर्वाद रहा और उनके पास प्रूफ रहा तो 23 तारीख को सबसे पहली चीज यही आपको देखने को मिलेगी कि मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लूंगा। लेकिन अगर वो 23 तारीख तक प्रूफ नहीं लाते, क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतना दम है कि वो ये खड़े होकर कहे कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे? लड़ाई तो फेयर होनी चाहिए ना। अगर मैं संन्यास ले रहा हूँ, अगर उनके पास प्रूफ है तो, अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें अपनी पोस्ट से और राजनीति से संन्यास लें। मैं लेने के लिए रेडी हूँ, क्या वो लेने के लिए रेडी है?